हिंद साथियों, आज हम नंबर सिस्टम का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आपको 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसमें जो अंत में जो आता है वो कितना आता है, 5 आता है। तो आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि छोटी घात लेते हैं, 2 की घात अगर हम 0 रखें और 5 की घात भी 0 रखें, तो अब जानते हैं कि किसी की घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 1 रखते हो जैसे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका 10। यानी कि फिर 2 की पावर 0 के अलावा आप कुछ भी रखिए तो क्या बनेगा, एक सम संख्या बनेगी, 2, 4, 6, 8 जो भी बनेगा, लेकिन कैसी बनेगी, एक सम संख्या बनेगी। अगर हम 5 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में वो क्या देगा आपको, 0 देगा, ना कि 5 देगा। या तो आपको 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स का कोई मान नहीं होगा। यानी ऐसा कोई मान नहीं होगा कि आप इनकी एक्स की जगह पे रखें और अंत में मिले आपको 5। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और परीक्षा में पूछा भी गया है। गन्ना पर्यवेक्षक 31/8/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो, रूट में 72 प्लस √72 प्लस, देखो यह अनंत तक सीरीज दी है, फिर ये है डिवाइड, इसको डिवाइड करना है, 12 − √ में दिया है पूरा अनंत तक। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको। देखो, आप 72 को फैक्टर करो, 72 के गुणनखंड करो, वो भी 1 के अंतर में होने चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 8। कितना हो जाएगा? 9 × 8। फिर ये आप वैल्यू देखेंगे, ये जो बीच में जो चिन्ह आ रहा है, ये चिन्ह आ रहा है तो क्या है, प्लस का चिन्ह है। अगर ऐसा होता है, प्लस का चिन्ह है, तो बड़ा वाला आपका वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी पूरी, तो कितनी निकल के आ जाएगी, वो 9 निकल के आएगी। ऐसे इसको फैक्टर करो 1 के अंतर में, तो ये हो जाएगा 4 × 3। कितना हो जाएगा? 4 × 3। अब ये चिन्ह देखिए, ये माइनस का है, तो छोटी वाली वैल्यू बाहर आएगी। अगर आप 9 में 3 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये बोल रहा है यहाँ पे, एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है, कोई भी संख्या है उसका वर्ग किया गया है यहाँ, तो उसका जो इकाई अंक है वो कितना दिया है आपको, 4 दिया है। तो अगर हम उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक कितना होगा, यानी कि वर्ग कर रहे हैं तो पीछे 4 आ रहा है या इकाई अंक 4 आ रहा है, अगर उसका वर्गमूल निकालें तो इकाई अंक क्या होगा। तो देखो, आप जानते हैं कि 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, तो पीछे 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब ये देखो, 2 का वर्ग करें अगर हम तो भी तो 4 आता है, तब भी क्या आता है, 4। जैसे 12 का करो आप तो 144, तो पीछे 4 आ रहा है। ऐसे यहाँ 18 का करोगे तो 324, कितना होता है ये, 324 होता है। ठीक है, तो 2 के वर्ग में भी 4 आता है और 8 के वर्ग में भी 4 आता है, और ये लोअर री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखिएगा, जो लोअर री एग्जाम है 2017 वाला, फिर री जो हुआ था वो 28/7/2019 में हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई है। 2 का वर्ग करें तो पीछे 4 आता है, 8 का करें तो पीछे 4 आता है। तो अभी देखो, एक तो ऑप्शन दिया आपको 8, तो 8 में आता है, एक दिया 2 या 8, और एक दिया ना तो 2 या ना 8 और 2, तो अब स्पेशल एक एक को नहीं करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 2 और 8 दोनों ही हो जाएगा, 2 या 8, 2 के में या 8 के वर्ग में ही 4 आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कि राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ दिया है अंडर रूट में 248, ही प्लस का चिन्ह है, कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, 52 + 144। ठीक है, अब ये देखो, अगर हम यहाँ से निकालेंगे इसको तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12, 12 और 52 होते हैं 64, 64 का निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। अगर हम 248 + 8 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 256, वो भी कायम है अंडर रूट में, 256 का बाहर निकालोगे तो 16 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 12 आया, इसमें ऐड कर दिया, ये 64 हो जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो 256 हो जाएगा, 256 का निकालोगे तो 16 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी दो अंकीय संख्या, कोई दो अंक की संख्या है और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या, यानी उसके अंकों को क्या कर दिया जाता है, पलट कर लिख दिया जाता है, तो जो इनका जो योग बनेगा, का योगफल सदैव विभाजित होगा। ठीक है, आपको ये बताना है जो संख्या है और उसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है तो दोनों के योग जो होगा वो किससे विभाजित होगा। और ये चकबंदी लेखपाल 2015 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कोई सी भी संख्या ले लीजिए दो अंक की, अगर हमने लिया 12, इसको हम अगर पलट कर लिखेंगे इसके अंकों को तो क्या लिख जाएगा, 21 लिख जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो 33 हो जाएगा। 33 इनमें से किससे विभाजित है, 3 से और 11 से। ठीक है, अब आगे की कोई संख्या लेकर के देखिए, हमने ली 45, अगली जो पलट के लिखोगे तो वो 54 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, तो क्या है, ये आ रहा है आपका 11 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। चलो और भी कोई संख्या ले लेते हैं, हमने संख्या ले ली 22, अगर इसको पलट के लिखेंगे तब भी 22 रहेगी, तो ये कितनी हो जाएगी 44, तो 44 तीन से तो नहीं कटेगी, 44 तीन से नहीं कटेगी, किससे कटेगी 11 से। तो ऐसे करने पर हमेशा संख्या 11 से ही विभाजित होगी। बात क्लियर हो रही है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी चकबंदी लेखपाल 2015 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि 10 की घात 12 माइनस 1 को अगर 111 से भाग दें तो भागफल क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब ये देखो कि इस पे क्या करोगे आप, एक के पीछे 12 जीरो लिखेंगे, आप एक के पीछे कितने जीरो लिखे जाएंगे, क्योंकि घात 12 है, 12 जीरो लिखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 जीरो हो गए। इसमें से 1 माइनस करो तो ये संख्या क्या होगी, यानी कि ये 12 है तो 11 अंक की कैसी बन जाएगी, 9 के बनेंगे ये, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, इसको हम भाग दे रहे हैं कितने से, 111 से, तो ये 9 बार भाग जाएगा, 11 9 99, तो ये होता है आपका यहाँ पे, देखो पूरा हट जाएगा। तो अब यहाँ से ये वाला अंक लिखेंगे आप, अंक लिखने के बाद भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर दूसरा अंक लिखेंगे, अभी भी भाग नहीं जा रहा तो एक और जीरो बढ़ा लेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, ठीक है, फिर ये भाग चला जाएगा, यानी कि 9009, फिर ऐसे ही आगे बनेगा 9009, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, 9009, 9009, तो यहाँ सिंगल जीरो रहेगा, तो ये नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ सिंगल जीरो हो गया, ये नहीं होगा, या ट्रिपल हो रहा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ सिंगल ही आया है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऐसे भाग देंगे तो 9009, 9009, 9009, देखिए यहाँ से। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सातवां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर, 4 अंकों की संख्या बतानी है सबसे छोटी, जो क्या है, 7 से विभाजित हो सके, जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलो देखिए, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है आपकी 1000, इसको अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 × 7 3 बच जाते हैं, एक जीरो लिख देंगे तो 7 × 4 = 28। ठीक है, अब बचेंगे 2, फिर 0, 7 × 2 = 14, अब कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं, 142 बार भाग पूरा जा रहा है और 6 बच रहे हैं। अब देखो संख्या कब कट सकती है, शेष ना बचे, अगर आप इसमें से 6 घटाते हो तो वो 4 अंक की नहीं रह जाएगी, कितने अंक की रह जाएगी, जैसे 994 को लिखोगे आप तो ये 3 अंक की है, लेकिन बोल कितने की रह, 4 की, तो इसमें हम घटा नहीं सकते। अब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना, अब ये देखो 6, 7 से कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है, तो 1 जोड़ दो इसमें, जैसे आप 1001 कर देते हो तो ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। अरे देखो ये इसमें भाग नहीं जा पा रहा है 6 में, क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये छोटी है, ये तो 1 जोड़ दो तो ये भी 7 बन जाएगी, जैसे ये 7 बनेगी तो ये संख्या क्या होगी आपकी, पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो ये 1001 यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, औसत पर आधारित प्रश्न दिया है, यहाँ पे बोल रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, 7 जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 20 है, तो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछे गए हैं। चलिए इसको करेंगे कैसे, 7 क्रमागत संख्या बोली है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 औसत दिया है, औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो देखो 3 इधर छोड़ दी हमने, 3 इधर छोड़ दी, तो ये वाली संख्या औसत दी है कितना, 20, इस क्रमागत है तो आगे बढ़ा दो, ये 21 हो जाएगी, ये 22 हो जाएगी और ये 23 हो जाएगी, इधर वापस आ जाइए, 19, 18, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये संख्याएं हैं, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारी,
23, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगर छोटी पूछता तो कितनी हो जाती, 17। लेकिन बात याद रखिएगा, औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।